Good evening, everyone. This is Dr. Priya Gilani. Uh, today is our anatomy trial lecture, and I'll be taking the topic popliteal fossa. Okay, let's start with the topic. So, coming on to introduction, what is popliteal fossa? What is popliteal fossa? It is a shallow, diamond shaped depression felt best at the back of the knee joint when the joint is semi flexed. क्या कह रहा है ये कि जो पॉपलीटल फोसा होता है ये हमारा शैलो डायमंड शेप्ड डिप्रेशन हो रहा है एज यू कैन सी इन द फिगर ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ये डायमंड शेप्ड का डिप्रेशन है मतलब एक कैविटी टाइप में होती है हल्का सा गड्ढा टाइप में होता है हमारे नी जॉइंट के जस्ट पीछे ठीक है और हम इसको फील करते हैं जब हम अपनी नी जॉइंट को सेमी फ्लेक्स करते हैं फुल फ्लेक्स नहीं आधा जब हम मोड़ते हैं अपने पैर को तो हमको नी जॉइंट के पीछे फील होता है पॉपलीटियल फोसा जस्ट लाइक द क्यूबाइटल फोसा विच इज इन द फोर आर्म ठीक है तो ये हमारे कहाँ होता है बैक में होता है नी जॉइंट के ठीक है सो व्हाट इज पॉपलीटियल फोसा डायमंड शेप डिप्रेशन जो कि हम अपने नी जॉइंट के पीछे फील करते हैं जब हम जॉइंट को सेमी फ्लेक्स करते हैं जस्ट लाइक द क्यूबाइटल फोसा ऑफ द फोर आर्म मूविंग फॉरवर्ड विद द लोकेशन अब ये कहाँ सिचुएटेड होता है एज वी ऑलरेडी नो कि लाइंग बिहाइंड द नी जॉइंट ठीक है एंड लोअर पार्ट ऑफ द फीमर ठीक है एंड द अपर पार्ट ऑफ द टीबिया फीमर होता है ना हमारे थाई बोन होता है और जो हमारा लेग्स होते हैं उसमें क्या होता है टीबिया और फिबिला दो बोन होते हैं राइट right. तो क्या बोल रहा है ये कि द फिगर कि दिस इज कि ये हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे फीमर आ रहा है तो फीमर का जो लोअर जॉइंट होता है ठीक है जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे होता है ये हमारा यहाँ पे होता है टीबिया और फिबुला तो ये कह रहा है कि टीबिया के अपर एंड पे ठीक है और नी जॉइंट के पीछे यानी कि ये इसकी पोजीशन होती है हमारी पॉपुलटियल फोसा कहाँ पर होता है द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर अपर पार्ट ऑफ टीबिया एंड बैक ऑफ द नी जॉइंट दिस इज द पोजिशन ऑफ द पॉपुलटियल फोसा इन आर बॉडी नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद बाउंड्रीज इसकी चार बाउंड्रीज होती है सुपेरोलेटरली, सुपेरोडियली इन्फेरोलेटरली एंड इनफेरोली सुपेरोलेटरली मतलब क्या होता है अब अलग अलग बाउंड्रीज इसमें देख लेते हैं फिगर में सुपेरो लेटरली मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर के साइड में और लेटरल मतलब बॉडी से दूर मतलब साइड वर्ड्स मेडियली मतलब अपर साइड एंड मेडियल ठीक है टूवर्ड्स द बॉडी ठीक है नॉट अवे फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द मीडियल लाइन ऑफ अ बॉडी देन लेटरली एंड मेडियली तो अगर हम इसको डिवाइड करें पॉपुलेटियल फोसा को तो ये चार बाउंड्रीज में हमारा डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये ऐसे इट विल बी डिवाइडेड राइट ये है हमारा तो जो हमारी ये पहली वाली बाउंड्री है ठीक है दिस इज द सुपीरो लेट्रल बाउंड्री दिस इज सोपेरो मीडियल दिस इज़ इनफेरो लेटरल बाउंड्री एंड दिस इज़ इन्फेरो मीडियल बाउंड्री ठीक है ये नीचे की साइड में आ रहा है तो दिस इज द इन्फीरियर पोर्शन और सी ये वाला हमारा इन्फीरियर पोर्शन है एंड दिस वन इज़ द सुपीरियर पोर्शन और अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ये वाला हमारा लेटरल साइड है एंड दिस वन इज़ द मीडियल ठीक है तो अब अगर हम बाउंड्रीज देखें तो ये क्या कह रहा है कि द सुपेरो मीडियल सुपेरो मीडियल में हमारे क्या होता है बाइसेप्स फिमोरिस मसल होती है ठीक है सुपेरो मीडियली हमारे क्या होती है बाइसेप्स फिमोरिस ओके ओके लेट्स मूव हियर सी इट सेइंग सुपेरो लेटरली इज बाइसेप्स फिमोरिस सुपेरो मीडियली द सेमी टेंडिनोसस एंड द सेमी मेम्ब्रेनोसिस सप्लीमेंटेड बाय द ग्रासिलिस द सार्टोरियस एंड द एडक्टर मैग्नस इसका मतलब सुपेरोलेट्रली में सिर्फ एक मसल होती है बाइसेप्स फेमोरिस मेडियली में हमारी दो मसल्स होती हैं सेमी और सेमी और ये दोनों मसल्स हमारी ग्रैसेलिस सार्टोरियस और एडक्टर मैग्नस से सप्लीमेंट होती हैं ये इनको सपोर्ट करती हैं ठीक है सार्टोरियस को हम क्या बोलते हैं टेलर्स मसल भी बोलते हैं सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इट इज ऑल्सो नोन एज द टेलर्स मसल ऑल राइट नाउ मूविंग टू इनफेरोट्रली इनफेरोट्रोल हमारी कौन सी मसल है लेटरल हेड ऑफ द दैस्ट्रोकनेमियस सप्लीमेंटेड बाय द दिस एंड देन इन्फेरोली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनेमियस बहुत ही आसान है याद करना तो अगर हम यहाँ पर आए ऐसे डिवाइड किया ठीक है दिस इज द सुपेरोमीडियल पोर्शन ये हमारी है बाइसेप्स फिमोरिस मसल ठीक है सुपेरो सुपेरोट्रली सॉरी ओके सुपेरो सुपेरोट्रली देन लेटरली अगर बात करें तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस ठीक है गैस्ट्रोकनीमियस याद कर लो कि गैस्ट्रोकनीमियस जो होती है वो इन्फीरियर साइड में होती है अब गैस्ट्रोकनीमियस के दो हेड्स होते हैं एक होती है लेटरल हेड और एक होती है मीडियल हेड तो अगर लेटरल साइड का पोर्शन है लेटरल है तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस और अगर मीडियल है तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस ऑल राइट देन

यहाँ पे हमारी होती है ये मीडियल हेड ऑफ़ गैसटॉप से हमारी ठीक है तो चार बाउंड्रीज होती है इसकी क्या क्या बाउंड्री होती है पहले तो डिवाइड कर लो इसको ठीक है इस टाइप से डिवाइड कर लिया तो ऊपर वाला हो गया हमारा सुपीरियर नीचे वाला हो गया हमारा इन्फीरियर ठीक है दिस इज दिस इज सुपेरोलेट्रल ठीक है इन्फेरोलेट्रल इनफेरोडियल एंड सुपेरो मीडियल ये हमारी चार बाउंड्रीज हो गई ठीक है पॉपलीटियल फोसा की नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रूफ मतलब छत कौन बनाता है पॉपलीटियल फोसा की तो कौन बनाता है द डीप फासा और द पॉपलीटियल फासा ठीक है फासा क्या होता है हमारा फाइन कनेक्टिव टिश्यू के बैंड होते हैं ठीक है थीके? जो कि एक मसल को बाइंड रखते हैं वो मतलब यू नो लाइक एक बैंड टाइप में होता है सपोर्ट करने के लिए होता है कनेक्टिव टिश्यू टाइप की कवरिंग होती है हमारी जो फासा होती है ठीक है तो इट इज़ फॉर्म बाय डीप फासा और पॉप्लीटियल फासा देन फ्लोर जमीन जमीन किससे बनती है पॉप्लीटियल फोसा की जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है पॉप्लीटियल सर्फेस ऑफ द दे फीमर देन कैप्स्यूल ऑफ द नी जॉइंट एंड द ऑब्लिक पॉप्लीटियल लिगामेंट लिगामेंट क्या होता है द टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन इज कॉल लिगामेंट देन द स्ट्रॉग पॉपलीटियल फासा कवरिंग द पॉपलीटियस मसल तो सीन द डाइग्राम कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं फ्राम अबव डाउनवर्ड तो द फर्स्ट थिंग वी गेट इज द पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर ये वाला ठीक है ये पूरा हमारा क्या है पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर है

ठीक है एंड इट्स वेन एन ब्रांचिज पॉपिटियल टीबियल कॉमन पेरोनियल नर्व द पोस्टीरियर नर्व ऑफ द थाई द जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑप्चरेटर नर्व पॉपलीटियल लिम्फ नोड्स फैट ये सारे हमारे कंटेंट्स हैं अब अगर हम देखें हमारे अपर पार्ट ऑफ पार द फोसा में फ्रॉम मीडियल टू द लेटरल साइड क्या होता है

अपर पार्ट हो गया ये मिडिल पार्ट हो गया और इतना हमारा लोअर पार्ट हो गया ठीक है तो अगर हम इसको डिवाइड करें द अपर पार्ट मिडिल पार्ट एंड देन द लोअर पार्ट ठीक है तो अपर पार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है जो हमारा अपर पार्ट है इसमें देखो क्या है एवियन है सबसे पहले है हमारी रेड कलर की आर्टरी दिख रही है ठीक है देन क्या है हमारा वेन है और फिर हमारी नर्व है ठीक है टीबियल नर्व ठीक है तो एवियन अरेंजमेंट होती है हमारी जब हम अपर पार्ट ऑफ द फोसा में मीडियल टू लेटरल साइड अगर हम बढ़ेंगे तो हमारी कैसी अरेंजमेंट होती है एवियन होती है सबसे पहले आर्टरी आती है उसके बाद हमारी वेन आती है और फिर हमारी नर्व आती है दिख रहा है फिगर में ऑल राइट देन हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द फोसा में क्या होती है मिडिल पार्ट ऑफ द फोसा में हमारा सबसे पहले आती है नर्व दिख रहा है येलो कलर की नर्व है यहाँ पे देन ब्लू कलर की वेन और पीछे से हमारी आ रही है आर्टरी सी इन द फिगर इट विल बी क्लियर ठीक है और लास्ट तक हमारा वही चीज है नर्व वेन आर्टरी डन सी लोअर पार्ट में दिख रहा है ना नर्व वेन आर्टरी ठीक है येलो ब्लू एंड रेड ओके देन मिडिल पार्ट में भी दिख रहा है वही चीज है नर्व वेन आर्टरी ठीक है मूविंग टू द अपर पार्ट क्या दिख रहा है हमको आर्टरी रेड कलर की फिर वेन एंड देन नर्व राइट ठीक है तो ये इसके कंटेंट्स ऑल राइट दिस वॉज अबाउट द पॉपुलिटी फोसा इफ देर आर एनी डाउट्स प्लीज चैट And please mention your doubts in the comment section. I'll surely clear that. Alright, so I think there are no doubts. So let's end the class here. Okay.